तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में, मतलब अगर आप एक शॉर्ट अपलोड करोगे तो उससे आपको कितनी अर्निंग हो जाएगी उससे के बारे में। यहाँ पर मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स की अर्निंग बताकर आपको बताऊँगा कि कितनी अर्निंग होती है, मेरे खुद के अकाउंट पर कितनी अर्निंग होती है, वो चीज़ सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में रिवील कर दूँगा और बताऊँगा कि आपको अगर आप शॉर्ट्स डालोगे तो आपको कितनी इनकम होगी। तो ये सारी चीज़ें बताऊँ उससे पहले गाइस, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैंने अभी अभी फिर से मैंने चैनल स्टार्ट की है, बहुत दिनों बाद वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया है। तो सिर्फ एक लाइक कर दीजिए या फिर हो पाए तो कमेंट भी कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो को रश मिल सके, पुश मिल सके, मतलब थोड़ी ज़्यादा वायरल हो जाएगा इस कर देना, एक रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरा सब्सक्राइबर हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हो तो सब्सक्राइब ना करो तो लाइक तो कर ही दो गाइस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ, तो समझ सकते हो ना गाइस। तो चलिए ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या से क्या करना है। ओके गाइस, तो चलिए। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है। यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ें बता देता हूँ, कितनी अर्निंग हुई है मेरी शॉर्ट्स से, कितनी हुई है सबसे पहले वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं रिवेन्यू में जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे इस मंथ का तो 77.67 रुपीज़ है इस मंथ का, क्योंकि ये मंथ में तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, मतलब ये मंथ ऐसा नहीं होता कि मई या फिर अप्रैल, ऐसा कुछ नहीं होता, लास्ट 28 डे कैलकुलेट होता है, मतलब 28 डेज़ का ही एक मंथ होता है। तो इतनी मेरी अर्निंग है, और यहाँ पर मैं आपको भी बता देता हूँ मेरे शॉर्ट्स की। तो यहाँ पर ये 77 मोस्ट ऑफली मेरे इसी के वीडियो परफॉर्मेंस के शॉर्ट्स के मेरी अर्निंग लास्ट 28 डे में कुछ इतनी हुई, मतलब एक रुपीज़ भी नहीं है। तो इतना है गाइस, क्योंकि यहाँ पर 28 डे में मैंने कुछ पोस्ट ही नहीं किया, मेरी चैनल ऐसे ही पड़ी थी और व्यूज़ भी नहीं आते थे। ओके गाइस, मेरी हाँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, मेरी चैनल यूट्यूब पार्टनर है, मतलब मेरी चैनल मोनिटाइज है, और यहाँ पर मेरी चैनल पे एड्स भी चलती है, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है। अगर आपकी चैनल मोनिटाइज नहीं होगी तो आपको अर्निंग तो नहीं होगी गाइस। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे शॉर्ट्स का रिवेन्यू और कितना आता है मनी। ओके गाइस, तो यहाँ पर रिवेन्यू में मैं जाता हूँ और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके शॉर्ट्स परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैं लाइफ टाइम कर देता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि कितनी अर्निंग्स हो सकती है, ताकि आप भी मोटिवेट होकर आप भी वीडियोस अपलोड करो। तो गाइस, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, ये मेरा सबसे पहला शॉर्ट्स है, मतलब सबसे वायरल जो मैंने अभी डाला उसमें सबसे वायरल ये वाला है, और यहाँ पर मेरे 30,000 जितने व्यूज़ है। और इसका मैं अगर अर्निंग बताऊँ आपको रिवेन्यू, तो इसका 34 रुपीज़ है, मतलब 30,000 और इतना 34, आप कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब 1,000 व्यूज़ अगर आपके शॉर्ट पे आएंगे तो आपको 1 रुपीज़ मिलेगा। ओके गाइस, तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपको चॉइस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 1,000-2,000 डायरेक्ट व्यूज़ आएंगे तो मिलियंस में आएंगे। ओके गाइस, तो इतनी अर्निंग होती है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको अपनी रियल चीज़ बता दी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है एडिटिंग। ओके गाइस, हाँ, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट्स डालोगे तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया आधे घंटे में बनाकर, उसमें से मुझे 75 सब्सक्राइबर आ गए, और यहाँ पर 30 रुपीज़ तो मिल ही गया गाइस, इतना है। ओके गाइस, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको पता भी चल गया होगा कि कैसे अर्निंग होती है और कितनी अर्निंग होती है। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके गाइज़।